गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा मुक्त शिक्षा की प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह, विशिष्ट अतिथि डीपी सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पीपी दुबे, प्रभारी निदेशक गोरखपुर व गोरखपुर केंद्र के क्षेत्रीय समन्वयक प्रवीण कुमार मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के व्यवस्थापक आशुतोष मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला व उप प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा कि रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय ने इसी सत्र से डिजिटल शिक्षार्थियों को गुणवत्ता युक्त एवं लिटरेसी पर प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में 12 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से 1200 अध्ययन केंद्रों पर 127 शैक्षिक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस दौरान कॉलेज की छात्रों को सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा, कोर्स करना चाहते हैं, पीजी के प्रोग्राम में कहा भी था कि अगर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे छात्रों को। आपकी बात एकदम सही है और हम लोग इस पे लगे हुए हैं। आने वाले 6 महीने इसका वादा करते हैं, इसका हम संकल्प करते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि आप हमारा कोऑपरेशन, हमारे साथ कोऑपरेट करें, सहयोग करें ताकि हम सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या वैसे ही है, हमसे नहीं, वैसे हम जब सब मैं को हमने बदलना है तो जब हमारे मस्तिष्क में समस्या जनित होता है उसी समय समाधान भी जनित होता है। हम भरोसे करें या ना करें, हम जानते हैं इसका समाधान। मैडम ने एक बार चर्चा करी थी तो मैं उसको स्मरण में ला रहा हूँ। अपने लिए विशेष पाकुट है, ही को ही में बदल दीजिए। मैडम से एक बार चर्चा में ऐसी बात ध्यान में आई थी, वो मेरे मन मस्तिष्क में आया था, संयोग से फिर मैडम ने जैसे सबसे पहले मैं इंद्रभूषण पांडे जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए। प्रवीण जी भी इसमें सहयोग करें। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय केंद्र है गोरखपुर, वहाँ पर आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं और हमारे जो विभिन्न अध्ययन केंद्र हैं उनके समन्वयकों को आमंत्रित किया गया था और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि उनको इस कार्यक्रम को चलाने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसको और बेहतर बनाने के लिए उनसे हमने सुझाव भी मांगे। तो ये एक ऐसी वर्कशॉप आप कह सकते हैं, कार्यशाला थी, जिसमें हम लोग मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को मैं यही
संदेश देना चाहूँगी कि सबको पढ़ना है, सबको शिक्षा प्राप्त करनी है, और अगर वो किसी कारण से परंपरागत विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते तो उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के द्वार उनके लिए खुले हुए हैं और वो किसी भी समय आके कभी भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य है कि आप जहाँ हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया, यानी कि हमने गाँव में बैठी महिलाएँ हैं या घर में जो घरेलू कार्य करने वाली महिलाएँ हैं या जो नौकरी पेशा हैं, सैनिक हैं, आर्मी में हैं, और न केवल हमने जेलों में जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। अगर कोरोना से किसी के माता पिता का देहांत हो गया हो या कोई विधवा हो गई हो महिला, उसके लिए भी हमने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। हमारे डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हमने सबके लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय का अगर आप कहें एज रेंज है वो 18 से लेकर 80 या 85 साल तक के हमारे विद्यार्थी हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा सबको सुलभ कराएं, घर बैठे हम शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश की उन्नत बना सकें देश।